अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं वो भी ये जानते हैं। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। कैसा होगा उस बेटे का दर्द जिसे अपने पिता का शव भिजवाया गया, जिसने अपनी माँ की मौत होते हुए अपनी आंखों से देखा, जिसने कंधों पर दो बहनों का बोझ उठाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र पाल की, जिसके पिता का नाम था सतपाल। सतपाल ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाई सिर्फ इसीलिए ताकि उसके बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल सके, और आज उसके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात है साल 1999 की, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था और सतपाल एक इंटेलिजेंस कंपनी में एज एन ऑफिशियल काम करता था, लेकिन समय की मांग को देखते हुए उसे खुद पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन एक साल के अंदर ही वो पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया, और जेल में ही उसकी मौत हो गई। साल 2000 में जब उसकी मौत हुई तभी उसका शव भारत के झंडे में उसके घर वालों के पास भेजा गया, जिसे देख उसका बेटा सुरेंद्र डर से कांप उठा। भारत का तिरंगा उसके पिता के खून में लिपटा हुआ था और उसने 15 साल की उम्र में भी उस झंडे को संभाल कर रखा। इसके बाद पूरे परिवार को समझ नहीं आया कि आखिर वो करें क्या। सतपाल की दो और बेटियां भी थी और उसकी माँ तो जैसे अब टूट ही गई थी, और अब सारी जिम्मेदारी सुरेंद्र के कंधों पर आ गई। वो सभी को संभालता था, माँ का ख्याल रखता और बहनों को खाना खिलाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ये जिम्मेदारियां और भी बढ़ती गईं, और 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उसे अपने स्कूल से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला नहीं था और पिता ने जितनी सेविंग्स की थी सब खत्म हो चुकी थी। उसने एक छोटे से मैकेनिक की दुकान में एज अ नौकर काम करना शुरू किया और कई सालों तक वहीं लगा रहा। पिता की मृत्यु के करीब 2 साल बाद उसकी माँ भी गुजर गई और अपने पीछे 2 बेटियाँ छोड़ गई। आज सुरेंद्र ने अपनी गाड़ी ठीक करने की एक दुकान खोली हुई है और उसके सर पर 2 बहनों की शादी का बड़ा बोझ है। वो मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी ही खिला पाता है और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उसने कई बड़े ऑफिसर्स के केबिन्स में धक्के खाए और उसे कहा गया कि उसे एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है, पर तब भी उसने हार नहीं मानी है। वो अब भी सभी सरकारी दफ्तरों में पिता के न्याय के लिए पहुंचता है, और वो जहां भी जाता है अपने साथ अपने पिता के खून में सना तिरंगा ज़रूर लेकर जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पिता ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बानी पर लगा दी, और एक ये देश है जो अभी तक भारत के इस जवान के परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन ना जाने कब भारत सरकार उसकी ये गुहार सुनेगी और सुरेंद्र और उसकी बहनों की ज़िंदगी में सुधार आ पाएगा। तो दोस्तों, ये थी सतपाल और सुरेंद्र की दर्द भरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की जल्द ही रिलीज़ होने वाली फिल्म टाइगर पार्ट 3 ऐसे ही स्पाई एजेंट्स पर आधारित कहानी होने वाली है, और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार मूवी में सतपाल और सुरेंद्र की ये कहानी दिखाई जाए। इस बार फिल्म में सलमान के साथ साथ इमरान हाशमी और शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि शाहरुख खान सतपाल का किरदार अदा करें और टीवी एक्ट्रेस रिद्धि मूवी में सुरेंद्र की बहन का रोल प्ले करती नजर आएं। सलमान और शाहरुख के इस यूनियन के लिए ऑडियंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रही है, लेकिन पिछले काफी समय से बॉलीवुड में किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो आग नहीं लगाई है जो अर्ली 2000s की मूवीज लगा पाती थी। पर टाइगर 3 से यकीनन ऑडियंस को काफ़ी उम्मीद है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि टाइगर पार्ट 3 बॉलीवुड को फिर से अपने इस मुकाम तक पहुंचाए। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको बॉलीवुड की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, और क्या आपके अकॉर्डिंग टाइगर पार्ट 3 बॉलीवुड में कुछ कमाल कर पाएगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज़ को।